उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मतदान प्रक्रिया की अभी कुछ ही दिन बाकी है। 27 फरवरी को प्रयागराज में 7वें चरण में मतदान होगा, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं लगातार चुनाव प्रचार में बिजी हैं। इसी क्रम में फाफामऊ विधानसभा के प्रत्याशी अंसार अहमद के समर्थन पर वहां के समाजवादी कार्यकर्ता साइकिल चलाकर डोर टू डोर कैंपेन करने में बिजी हैं। लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संदीप यादव सुबह से ही साइकिल लेकर निकलते हैं और डोर टू डोर लोगों के घर पहुंचकर समाजवादी पार्टी के समर्थन में मतदान करने के लिए अपील करते हैं। समाजवादी पार्टी के योजनाओं तथा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा मैनिफेस्टो में जो अपने वादे किए गए, उन वादों को जनता के बीच पहुंचाने का काम कार्यकर्ता कर रहे हैं। साइकिल चलाकर भारी संख्या में लोग समाजवादी मैनिफेस्टो को पर्चा बांट रहे हैं। इसके साथ साथ फाफामऊ विधानसभा के प्रत्याशी अंसार अहमद को भारी मतों से विजयी बनाए, इसके लिए अपील भी कर रहे हैं। हम तो गाड़ियों के झंडे भी नहीं दुआ रहे। अच्छा, ना हम लोग गाड़ी निकाले ही नहीं सही ना। आपकी गाड़ी झंडा तो आपका झंडा बड़ा है, ठीक बात है, लेकिन हम लोगों ने गाड़ी निकाला ही नहीं। डीजी ने भी ग्राम सभा डीजी थाना फरवरी चलिए ठीक, हम लोग घर ही जा रहे थे, हमारा घर आगे ही है। घर जाइए, हम तो प्रचार नहीं ना प्रचार भी कर रहे हैं, करेंगे प्रचार चैनल ठीक है, परमिशन ले लेंगे।